सुहेल बेटा कुछ लो ना, रायद आ जाएगा। हो सकता है रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। इस कंडीशन की गाड़ियां नहीं रखते हम के खराब हो जाए। रायद की गाड़ी तो भी नहीं है। आ गया रायद। एक्चुअली रास्ते में महापारा को आइसक्रीम खिलाने रुक गया था। महापारा भी आई है? हाँ भाई, महापारा तुमसे बहुत प्यार करती है। कब से इंतजार कर रही थी और कितनी तैयारी की है तुम्हें लेने आने के लिए उसने। मुझे भी प्यार आसनी है। क्या मतलब? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं अपना सामान समेट लूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाभी इन्हें ढूंढ रही है ना? आपको पता है भाभी मुझे कह रही थी कि मैं कभी भी महापारा के बगैर आ ही नहीं सकते। क्यों भाभी? हाँ सही कह रहा हूँ ना? नहीं राइट, तुम इसके बगैर आ सकते हो लेकिन महापारा तुम्हारे बगैर नहीं आ सकती। क्यों, ये कोई रूल है क्या? नहीं ऐसा कोई रूल तो नहीं है लेकिन। नहीं बेसिकली भाभी का कहने का मतलब ये है कि महापारा हमारे घर की एक बहुत अहम फर्द है ना, तो उसकी हिफाजत के लिए कोई ना कोई उसके साथ हमेशा होना चाहिए, है ना भाभी? बेटा तुमने इतना इंतजार करवाया, कब से तुम्हारी भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही थी, कहाँ रह गए थे? आई एम सो सॉरी आंटी, हमने जानबूझ के नहीं किया। एक्चुअली सारी गलती इन मोहतरमा की है क्योंकि ये हर बात में ना अपनी जिद मनवाती है और अगर इनकी बात नहीं मानो तो घर में शामत। अभी आते आते मुझे कहने लगी मेरा आइसक्रीम खाने को दिल चाह रहा, आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम, फिर हम आइसक्रीम खाने चले गए। तो बेटा वापसी पे खिला देते ना, तुम्हारी वजह से इतनी देर हो गई है, इसे पार्लर भी जाना है। लाडली है ना सबकी। हाँ लेकिन आंटी अब इतनी देर भी नहीं हुई, मेरा ख्याल है कि इतना इंतजार तो किया ही जा सकता है। अब तुम सुना रहे हो? हाँ बिल्कुल, कोई शक? शक अब तो ज्यादा हो गया है। क्या मतलब किस बात का शक? अरे मॉम ऐसा कुछ भी नहीं, बस भाभी सिर्फ ये कंफर्म करने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं उनका दर्जा हमारे घर में महापारा से कम तो नहीं। तो मैंने उनको बोला कि नहीं भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप दोनों का दर्जा बराबर का है। क्यों सोहेल भाई, बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना? हाँ बराबर है। अच्छा ये क्या बात की तुमने भला? तुम्हारी अपनी जगह है, महापारा की अपनी जगह है, तुम दोनों का कोई कंपटीशन थोड़ी है। आंटी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज मेरे साथ आएंगी? हाँ हाँ श्योर, तुम लोग बैठो मैं आती हूँ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, हाँ आओ ना बैठो, प्लीज 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 टेक अ सीट, टेक अ सीट, आओ ना। बेटा ऐसी बात कभी भी दिल में मत लाना। बेटा तुम्हारा अपना मकाम है, महापारा से मुझे मोहब्बत जरूर है लेकिन तुम इस घर की बड़ी बहू हो, समझी? ये हुई ना बात। चलो अब अपना सामान उठा लो, तैयार हो जाओ, राय तुम्हें और महापारा को सैलून छोड़ देगा। सॉरी मम्मी, मैं महापारा के साथ एक पल में तैयार नहीं होंगी। क्यों बेटा, एक जगह से तैयार होगे तो वक्त भी बचेगा। दरअसल मुझे लगता है कि वो मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है, इसीलिए उसने आज यहाँ आने में भी देर कर दी, जबकि वो जानती थी कि हमें पार्लर जाना है। अरे नहीं बेटा, वो तो उसका लावबालीपन है, छोटे बच्चों जैसा दिमाग है उसका, मैं बचपन से जानती हूँ उसे, बगैर सोचे समझे ऐसी हरकतें करती है। लेकिन जो भी कहें अब वो बच्ची नहीं है,
मुझे लगता है कि वो मुझे उस घर में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। हाजरा, कैसी बातें कर रही हो? बेटा तुम उस घर की बहू हो, माँ पारा तो सिर्फ बेटी जैसी है। जानती हूँ, वो उस घर की बेटी जैसी है, इसीलिए मैंने कल उसको 25,000 रुपये दिए कि वो नौकरों में बांट दे। ऐसा मैंने उसका मान बढ़ाने के लिए किया, लेकिन उसने क्या किया? उल्टा मेरी सुहेल से शिकायत लगा दी। और सुहेल ने क्या क्या किया? सुहेल ने, मैंने कहा ना, महापारा मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, इसीलिए उसने कल भरी महफिल में मेरा तमाशा बनवा दिया। और रात को? नहीं बेटा, नेकलेस तो सुहेल ने अपनी पसंद से चेंज किया था। अगर ऐसी बात है तो नेकलेस आपके या सुहेल के पास होना चाहिए था, ना कि महापारा के पर्स में। मम्मी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, मैं तो बस। नहीं नहीं बेटा, मैं परेशान नहीं हूँ, और तुम भी ये बात बस यहीं ख़त्म कर दो, भूल जाओ। मैं संभाल लूँगी सब कुछ। भाभी, अम्मी जी, सुहेल भैया पूछ रहे कितना टाइम लगेगा। बेटा तुम सुहेल को भेजो, हाजरा की तबीयत ठीक नहीं है। भाभी की तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ भाभी आपको? कुछ नहीं हुआ, तुम रायत के साथ घर जाओ, मैं घर आकर बात करती हूँ तुमसे। और पार्लर, हमें तो भाभी को दुल्हन बनवाने के लिए लेके जाना है ना। हाँ जाना था, लेकिन बताया ना कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, सैलून का टाइम आगे करवा लिया। तुम जाओ, जाके सुहेल को भेजो। आप घर जा रही हैं? महापारा, सुहेल को भेजो जाकर। जाओ, शाबाश। जी। तुम अपना सामान निकाल लो, तुम्हें मैं अकेले ही सैलून भिजवा दूंगी। पारा, तुम पार्लर नहीं गई? तुम्हें तो भाभी के साथ पार्लर जाना था। वो भाभी की ना अचानक तबीयत खराब हो गई, इसलिए प्रोग्राम कैंसिल हो गया। लेकिन भाभी तो पार्लर गई है। तुम्हें कैसे पता? मुझे बेगम साहिबा ने बताया। वो आ गई? हाँ आ गई है, अंदर कमरे में है और किसी से मिलने से मना किया। वो मसरूफ है, वो किसी से नहीं मिलना चाहती, तुमसे भी नहीं। महापारा, रायत क्या हो गया था आज तुम्हें? इतनी छोटी सी बात को दिल में रखकर तुमने इतना बड़ा इशू क्रिएट कर दिया। देखिए अम्मी, महापारा को रस्म से रोकना आपके लिए कोई छोटी बात होगी, लेकिन मुझे मेरी मर्जी के अगेंस्ट हर हुई भी बात बड़ी लगती है। अच्छा, इसीलिए तुम हाजरा और महापारा को कंपेयर कर रहे थे? हाँ, तो उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि महापारा की क्या हैसियत है इस घर में, और वो हैसियत किसी और ने नहीं बल्कि आपने और डैड ने दी है। अच्छा, तभी तो मैं कहूँ कि आज तुम्हें महापारा को मनाने की इतनी जल्दी पड़ गई कि तुम उसे आइसक्रीम खिलाने ले गए हो। तुम खालदा के घर देर से पहुंचना चाहते थे, हाजरा को तंग करना चाहते थे। देखिए अम्मी, मैंने आपसे कहा ना, मैं महापारा को बुरे बिहेवियर से बचाना चाहता हूँ, इनफैक्ट उसे दूर रखना चाहता हूँ, तभी तो साथ साथ रखता हूँ। मैं नहीं चाहते कि आपकी बेटी जैसी को कोई इंसल्ट करे। और इसीलिए तुमने हाजरा को, यानी मेरी बहू को वेट करवाया? हाँ, तो आपकी बहू के आसमान से उतरी जो थोड़े बहुत वेट भी नहीं कर सकती थी। वेट तो वो कर ही चुकी थी, लेकिन तुम्हारी इस हरकत की वजह से महापारा के लिए उसके दिल में बाल पड़ गया है। पहले ही वो अपसेट है, नेकलेस वाली बात की वजह से उसका मूड अपसेट था, शिकायत कर रही थी मुझसे। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि उसका मूड बेहतर कराने के लिए आपने हमसे झूठ बोला और घर भिजवा दिया। मैं कोई तमाशा नहीं चाहती थी, और वैसे भी उसके दिल में गिरा तो पड़ी चुकी है, ना जाने कब साफ होगी। अम्मी, दिल साफ करने की क्या जरूरत है? असल मसला तो दिमाग का है ना, तो एक ही बार दिमाग दुरुस्त कर दे। राय,
अपनी बड़ी भाभी के बारे में बात कर रहे होते। नहीं अम्मी, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। तुम्हारा हाजरा से कोई डायरेक्ट झगड़ा हुआ है क्या? देखें, अगर कोई भी मेरी बात को रद्द करेगा ना, तो मैं उसे झगड़ा नहीं करूंगा, दुश्मनी करूंगा। तो बहू ने तुम्हारी ऐसी कौन सी बात रद्द कर दी जिसकी वजह से महापारा को तुमने उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया? कम ऑन मॉम, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि मुझे अपना मकसद पूरा करने के लिए सर्वेंट्स को इस्तेमाल करना पड़े। ये मेरे बाप का घर है, कोई आए तो सही मेरे सामने। होश में हो? ये तरबियत की है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी कि तुम अपनी बड़ी भाभी के बारे में इस लहजे में बात करो? और ये महापारा को सर्वेंट क्यों कहा तुमने? What mom, sorry to say so, अगर मैं आपकी तरबियत पे चलता रहा ना तो आप ही की तरह हो जाऊंगा। क्या कहना चाहते हो? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैंने महापारा को सर्वेंट कहा तो आपको फौरन अपना रिश्ता उसके साथ याद आ गया, लेकिन जब आपकी बहू उसे सर्वेंट की तरह ट्रीट करना चाह रही है तो फिर आप खामोश हैं। क्यों? क्योंकि आप भी एग्जैक्टली वैसे ही सोचती हैं। बट आई एम सॉरी, मुझसे ये हिपोक्रेसी नहीं हो सकती। तो मुझे हिपोक्रेट कह रहे हो? महापारा में मैं नहीं जानता क्या आप महापारा को क्या समझती हैं या फिर आप दोनों का क्या रिलेशन है, लेकिन अगर महापारा की जगह फरी होती ना तो आप कभी उसे झूठ नहीं बोलती और कभी घर नहीं भेजती। लेकिन मैं जो हूं सो हूं। मैं अपने पैरों में जो जूते पहनता हूं ना मॉम, उसकी उतनी ही कीमत अदा करता हूं जितना लोग अपने सर पर पहनने वाली ताज की करते होंगे। मैं फखर से अपने पैरों को ऊन करता हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग अपना सर उठाकर चलते हैं। उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि महापारा की क्या हैसियत है इस घर में, और वो हैसियत किसी और ने नहीं बल्कि आपने और डैड ने दी है। अच्छा, तभी तो मैं कहूं कि आज तुम्हें महापारा को मनाने की इतनी जल्दी पड़ गई कि तुम उसे आइसक्रीम खिलाने ले गए हो। अच्छा, तो सारी माफी झूठ थी, मैं भी छोड़ूंगी नहीं। तुमको तो पार्लर जाना था, तैयार होने गई नहीं? मैं बॉलर से तैयार होके क्या करूंगी? ये भी सही कहा तुम, जरा सा मुंह धो लो, काजल लगा लो तो कैसा चमक उठता है चेहरा। ये चमक सबको क्यों नहीं दिखती दादी? तुम्हारी दादी को तो दिखती है ना, आईना देखो कैसा चमक रहा है चेहरा। अच्छा, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, देर हो रही है। और सुनो, छोटी बेगम से कहना कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है, वो इसलिए नहीं है। और हाँ, रहमत कब से फोन कर रहा है, फोन तो उठा लो, तुम उठाती नहीं हो फोन। तैयार हो जाओ जल्दी। गुस्से का तो वो शुरू से तेज है, लेकिन हाजरा से कब अटक गया? और सुहेल, उसने क्यों हाजरा से कहा कि महापारा से माफी मांगे? हाजरा जो कुछ महापारा के बारे में कह रही थी वो सच तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि महापारा ने रायत के कहने पर सुहेल से कुछ कह दिया? अगर ऐसा है तो ये महापारा के लिए गलत होगा। नहीं, मैं महापारा को किसी खेल का हिस्सा नहीं बनने दूंगी। अम्मी जी, आप यहाँ पे बैठी हुई हैं, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। अरे वाह, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है। अम्मी जी, भाभी पार्लर से आ गई? हाँ आ गई। वो मुझे तो पार्लर लेके नहीं गई, मैंने भी तो उनके साथ जाना था ना। महापारा, बेटा मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी जी बोले। देखो रायत थोड़ा गुस्से का तेज है, जज्बाती है और कभी कभी गुस्से में बहुत उल्टा सीधा भी बोल जाता है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि उसकी हर बात मानी जाए। क्या मतलब? मतलब भाभी इस घर की इज्जत है, इस घर की बड़ी बहू है, है ना? जी जी बिल्कुल है। तो सास के बाद घर की बड़ी बहू जो है वो घर की सरबराह होती है,
होती है ना? बिल्कुल होती हैं। तो अगर घर का सरबरा छोटों को कुछ दे तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए या उससे शिकायत करनी चाहिए? शुक्रिया अदा करना चाहिए अम्मी जी। है ना, तो बस आइंदा ख्याल रखना, मैं कभी भी तुम्हारे मुंह से भाभी के लिए कोई बुरी बात ना सुनूं। आप ये सब कुछ मुझे क्यों बोल रही हैं अम्मी जी? मैंने क्या किया है? तुमने क्या करना है? लेकिन देखो, सुहेल से कोई उसकी बीवी के बारे में बात करेगा तो उसे बुरा लगेगा ना। लेकिन अम्मी जी, सुहेल भाई से भाभी के बारे में कोई बात क्यों करेगा? तुमने की ना बेटा, बेशक तुमने नेकलेस वाली बात सुहेल से अच्छे दिल से की थी और उसने तुम्हारी बात का मान भी रखा, लेकिन सुहेल को ये बात अच्छी नहीं लगी। ये बात आपको सुहेल भैया ने कही है? और कौन कहेगा? देखो, कल भाभी ने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए, तुमने उनका शुक्रिया अदा किया? जी। देखो, तुम भाभी की मोहब्बत की कदर करोगी तो भाभी खुश होंगी, और भाभी खुश होंगी तो सुहेल को अच्छा लगेगा। आखिर वो दोनों अलग थोड़ी हैं। और हाँ, तुम भाभी का शुक्रिया सुहेल के सामने अदा करना ताकि सुहेल को अच्छा लगे। जी अम्मी जी, मैं आती हूँ अभी। हेलो, बाहर जा रही हो? नहीं, अंदर आ रही हूँ। अच्छी लग रही? और आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, हटे यहाँ से। ऐसा क्या? क्या बात है, इतनी सोगवार सूरत बना के यहाँ क्यों छुपी बैठी हो? कुछ नहीं, बस सर में दर्द है। लो, अब सुहेल भाई तुम्हें बुला रहे हैं, अब वहां जाके तुम बैठ जाओगी। तुम कल कॉलेज जाओगी? हाँ, क्यों? वो हम साथ चलेंगे ना। मॉम, ये इतनी दूर जाके क्यों बैठी है? क्या हुआ ऐसे? बेटा, जो तुम्हारे बराबर में बैठी है ना, बेहतर है कि उस पर तवज्जो। वैसे मॉम, इनके आते ही आप तो सच में इनकी हो गई, एक ही दिन में बदल गई। लेकिन तुम मत बदल जाना, बिल्कुल वैसे ही रहना जैसे मैंने तुम्हारी तरबियत की है। मॉम, हुआ क्या है? मैं इसे अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी बनाकर लाई, और मैं इसके चेहरे पर जरा सा भी दुख या उदासी बर्दाश्त नहीं कर सकती। Mom, are you serious? इतने मेकअप में मुझे भाभी का असल चेहरा नहीं दिखता और आपको उदासी भी दिख गई। चुप बदतमीज, इतनी प्यारी तो लग रही है मेरी बहू, लोगों की नजर ही नहीं ठहर रही। तो जाकर इनका मुंह धुलवा देना, नजर भी नहीं लगेगी। कुछ लेकर आती हूँ। तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी बहू पर लगने वाली सारी नजरें उतार दूंगी। हाँ हाँ, चलो चलो चलो।
एक सेकंड में आया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? आई एम सॉरी, लेकिन खाने पे सबसे पहले मेहमानों का हक होता है। क्यों? मेरी तरफ से तो हर चीज़ पर आपका ही हक है। अच्छा, दिल से कह रही हो? मैं हर बात दिल से ही कहती हूँ, लोगों की तरह प्लानिंग्स नहीं करती। क्या क्या मतलब है? मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। क्योंकि मैं दूसरों की तरह किसी खास मतलब से बात नहीं करती। पॉइंट टू बी नोटेड। आई विल जॉइन यू गाइस लेटर। ओके। अगर आपका खाना लेने का मूड नहीं है तो मैं खाना निकालूं? हाँ हाँ, ले लो खाना। लेकिन हमारे यहाँ तो ये होता है कि मुलाजिम इवेंट ख़त्म होने के बाद ही खाते हैं, लेकिन तुम्हें अगर बहुत जल्दी है तो खाओ, लो। खाना क्यों नहीं खा रही हो? वो अम्मी जी भूख नहीं है। बहुत बुरी बात है, भाभी के पास आओ, हम सब वहीं खाना खा रहे हैं, चलो आ जाओ। वो नहीं अम्मी जी, वो मेरी दोस्त अस्मा आई हुई है ना, मैं उसके साथ खाना खाऊंगी, वो बुरा मान जाएगी। चलो खा लेना। जी वैसे एक बात बताओ, वलीमा तो लॉन में होना था ना, फिर घर में क्यों? रायत को लगता है कि घर में होने वाली तकरीब यादगार रहती है, इसलिए। ये रायत भाई है ना, तुम्हें किसे दिखा रहे? पता नहीं कौन है। पारा, मैंने जो बात की थी उसके लिए आई एम सॉरी। खाओ। जब सॉरी कहना था तो कहा क्यों आपने? वो एक्चुअली रायत को मेरे साथ कुछ प्राइवेसी चाहिए थी, तो इस वजह से मैंने कह दिया था। क्यों, वो आपको भी किसी से दूर रखना चाहते हैं? क्या मतलब? जब उन्हें किसी को किसी से दूर करना होता है तो अपने करीब कर लेते हैं, ये उनकी आदत है ना। क्या मतलब? मैं अभी भी तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी। आई मीन एनीवेज, तुम यहाँ अपने मंगेतर का इंतजार कर रही हो क्या? मेरा मंगेतर? हाँ हाँ, तुम्हारा मंगेतर। राज ने मुझे बताया था तुम्हारे फ्रांसी के बारे में। रायद ने? एक्सक्यूज मी, क्या हरकत है? आप बताइए क्या हरकत थी? कौन सी? आपने माहिन से क्या कहा है? माहिन से जो कुछ भी कहा वो तुमने कहा। मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो ये मैंने कहा था कि अगर मैं किसी को किसी और से दूर करना चाहता हूँ तो उसको अपने करीब कर लेता हूँ। हाँ तो नहीं करते क्या? हाँ करता हूँ यार, अब मैं सुकून से खाना ले सकता हूँ, और भी कुछ कहना बाकी है। आपने माहिन से ये क्यों कहा कि मैं अपने मंगेतर का वेट कर रही थी? मैंने तो ऐसे कुछ नहीं कहा। तो उसने ये क्यों कहा कि आपने कहा है कि मेरी मंगनी हो चुकी है? देखो, उस वक्त मुझे यही ठीक लगा। ओके,
आपको ठीक लगा या ये भी आपकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है? या मेरी बात सुनो, मैं जो कुछ भी करता हूँ या जो कुछ भी कहता हूँ ना, उसके पीछे कोई ना कोई सॉलिड रीजन होता है, और अगर ये रीजन तुम्हारे दिमाग तक ना पहुंच पाए तो नेक्स्ट टाइम मुझसे तमीज से पूछ लेना, इस तरह की बदतमीजी नहीं करना। अच्छा, तो नौबत यहाँ तक पहुंच चुकी है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। ये क्या खुशी से बताने वाली बात है जो मैं अनाउंस करती फिरूं? इतने सालों से तुम उसे दुआ में मांग रही हो, आज जब उसे तुम्हारे लिए स्टैंड लिया तो कह रही हो अनाउंस करने वाली बात नहीं है। तुम इसे स्टैंड लेना कहती हो? अरे, एक तो उन्होंने तुम्हें बचा लिया, ऊपर से तुम गुस्सा कर रही हो, कितनी नाशुक्री हो तुम। क्या मतलब किससे बचा लिया? वो जो आंटी तुम्हें देख रही थी, वो तुम्हें अपने बेटे के लिए पसंद कर रही थी। तुम्हारे एंग्री यंग मैन ने आके कहा कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। लेकिन मेरी तो मंगनी नहीं हुई ना महापौरा, यही तो समझने वाली बात है ना। उन्होंने अपना रास्ता क्लियर किया है, अब तुम्हारी मंगनी का सुन के ना तो कोई प्रपोजल आएगा ना ही कोई टेंशन होगी। मैंने कहा बारात वाला सेट लेकर आओ और लाके चेंज करवाओ। इसे वो सेट पसंद नहीं है, छोड़ो ना। मुझे ये इस सेट में पसंद नहीं है, इन्हें भी छोड़ दूं? अरे, ये सब क्यों उतार दिया? अच्छी लग रही थी, अभी तो मैंने ठीक से देखा भी नहीं। जब आपको ये सब पसंद ही नहीं तो देखने का क्या फायदा? तुम्हें तो पसंद है ना, पहनी रहती अच्छी लग रही थी। मुझे तो कल भी पसंद था सुहेल, लेकिन लेकिन जो कल हो गया वो जाने दो, कल की बात खत्म। कल मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था, आई एम सॉरी कल के लिए। अच्छी लग रही थी तुम। आपको मेरी फीलिंग्स की परवाह है? अगर तुम्हारी फीलिंग्स की परवाह ना होती तो ये नेकलेस तुम्हें पहनने की इजाजत ना होती। क्या मतलब? कुछ नहीं है, मतलब छोड़ो, पहनी रहती तो अच्छी लगती। जब वो नेकलेस आपको पसंद ही नहीं है तो मैं उसमें अच्छी कैसे लग सकती हूँ? अच्छा, तो मुझे इस नेकलेस और मेकअप में नहीं बल्कि खुश अच्छी लगती जी। हाँ, ये नेकलेस और मेकअप की वजह से अगर तुम खुश हो तो पहन लो इसे। बल्कि एक काम करेंगे, कल चलकर तुम्हें दूसरे लेंसेज भी दिलवा दूंगा। आप सच कह रहे हैं? सब जानते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, इसीलिए मेरी बातों पे इतना मत सोचा करो। आप बहुत अच्छे हैं सुहेल। अच्छे को तो नहीं पता, लेकिन जैसा हूं तुम्हारा हूं। बेचारी ने खाना भी नहीं खाया, मेरी वजह से अपसेट होगी, पता नहीं उसके माइंड में क्या चल रहा होगा। मापारा, अंदर चलो। अब खुले आसमान के नीचे बैठकर खाओगी क्या? असर हो जाएगा। तो हो जाए ना, मैं तो कब से इंतजार कर रही। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? यही तो कह रही हूँ कि मुझ पर तो जिनों का असर भी नहीं होता। हाय, काश को जिनी पीछे पड़ जाए। क्या बकवास कर रही हो, बहक गई हो क्या? अब जिनी रह गए तुम्हारे पीछे लगने को।
मैं पीछे क्यों लगाऊंगी भला? मैं तो साथ साथ चलना चाहती हूँ, वो एक बार कदम तो बढ़ाए। अच्छा रहने दो, बस सीधी बैठो और बाल बांधो, ना रोजे की ना नमाज की, बस फैशन करवा लो, सज धज के सहन में बैठ जाएंगी। अगर कोई जिन भूत गले पड़ गया ना तो रोती फिरोगी। उफ। अच्छा चुप करो, हजार बार समझाया है कि कुंवारी लड़कियों को एहतियात करना चाहिए। अच्छा दादी एक बात तो बताएं। क्या? अगर किसी लड़की के लिए कोई रिश्ता आए और लड़की वालों से कोई झूठ बोल दे कि लड़की की मंगनी हो गई है, तो उसका क्या मतलब होता है? जलन होगी और क्या होगा, वो चाहते होंगे कि इस लड़की की जगह उनकी लड़की की शादी हो जाए। कौन चाहते होंगे? अरे लड़की के रिश्तेदार जिन्होंने झूठ बोला होगा। रिश्तेदार तो ऐसे ही होते हैं, दूसरे की लड़की का मामला लटका कर अपनी लड़की को पेश कर देते हैं। और अगर रिश्तेदार की जगह ये झूठ कोई लड़का बोले तो? तो होगा कोई लड़का लड़की के आपस का मामला। कैसा मामला? दफा करो, तुम क्यों पूछ रही हो, चलो अंदर चलो। ऐसी पूछ रही हूँ, बताए ना। अरे भाई ऐसे मामले शरीफ घराने की लड़कियों के नहीं होते, और खबरदार जो तुमने ऐसी लड़कियों से मेल मिलाप बढ़ाया, दूर रहा करो ऐसी लड़कियों से। क्यों, मैं क्यों दूर रहूं? क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हमारे पास है ही क्या, एक इज्जत और नेक नामी तो रह गई है, और ऐसे मामले में साथ देने वाले अलग और राजदार अलग जलील होते हैं। ये जो इश्क माशूकी होती है इसमें इज्जत दांव पे लग जाती है, समझी कुछ बात? हाँ तो लगने दे, इज्जत का कौन सा कत्ल हो जाता है, कम से कम मोहब्बत तो मिल जाती है ना। हजार दफा समझाया है महापारा कि इस कच्ची उम्र में ऐसी बेबाकी की बातें मत किया करो, इतनी कम उम्र लड़कियों को जेब नहीं देती हैं ये बातें। कच्ची उम्र की लड़कियों को जेब नहीं देती तो क्या दो बच्चों की अम्माओं को देती हैं? खबरदार महापारा एक भी उल्टी बात मत करना, अब ये सब तुम्हारी फिल्में देखने का नतीजा है, हर वक्त डायलॉग बोलती रहती हो। मैं कहां बोलती हूँ कुछ दादी, तो मोहब्बत बोलती है। किस कदर बेशरम हो गई हो, कैसे मुंह फाड़ के मोहब्बत मोहब्बत की बातें कर रही हो। अच्छा चलो खाना खाओ खामोशी से। मुझे ये बिरयानी नहीं खानी, मैं अंदर जाके कस्टर्ड खा लूंगी। कस्टर्ड? किस कदर बदतमीज लड़की है यार, मतलब सबका फंक्शन रुइन करके खुद कस्टर्ड खा रही होगी। सकीना इतनी देर हो गई है, जल्दी करो ना। बस बाजी रेडी हो गई। हो गया, चलो आ जाओ। बहू उठ गई है, इंतजार कर रही होगी। अरे वाह माशाल्लाह, क्या बात है भाई, आज तो ट्राली बहुत सज रही। बहू के लिए नाश्ता बनवाया, वहीं लेकर जा रही हूँ, आप भी आ जाए मिलकर नाश्ता करते हैं। भाई इतनी सुबह, वो तो सो रही होगी। जाग गई है, मेरी बहू देर तक नहीं सोती, आज ना मिलकर नाश्ता करते हैं। हाँ मैं तो यहीं रहने दो, वैसे मेरा एक मशवरा है शैला, नाश्ता बहू को देकर वापस आ जाना, हो सकता है कि तुम्हारी मौजूदगी बहू को अच्छी ना लगे। जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बहू बहुत खुश अखलाक और मिलनसार है। सारे जहान की खूबियां आप में है या आपकी बहू में? वाह क्या हो रहा है बेटा, बहू के नाज नखरे उठाए जा रहे हैं, ये देखो। नाइस। तुम कहाँ जा रहे हो? कॉफी बनाने। अरे आ जाओ, तुमसे बात करनी है, चल। तुम्हारे ससुर को तो तुम्हारी नींद की इतनी फिक्र हो रही थी, कह रहे थे कि इतनी जल्दी नाश्ता लेकर जा रही हो, बहू तो सो रही होगी, उसकी नींद खराब होगी। लेकिन मुझे पता था कि तुम जाग रही होगी, अभी नई नई आई हो ना इस घर में, तो बाहर आते हुए झिझक महसूस हो रही होगी, है ना? तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा नाश्ता ऊपर ले आती हूँ और फिर तुम्हें अपने साथ ही लेकर चलूंगी नीचे, ठीक है? मम्मी जी आपने बिला वजह जहमत की, महापारा कहाँ है? महापारा सो रही होगी, उसकी भी नींद बहुत पक्की है। मुझे लगता है कि उसने मुझे दिल से कबूल नहीं किया,
शायद इसीलिए वो नहीं आई। अरे नहीं नहीं, वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। बस वो थोड़ी सी लाव वाली है, दिल की बहुत साफ है वो। अगर आपकी बात ठीक है तो वो कल मुझसे मिलने स्टेज पर क्यों नहीं आई? सकीना, सकीना मापारा को भेजो। अब देखना आंखें मलती हुई आएगी और भाभी भाभी करते हुए जबान नहीं थकेगी उसकी। जबान तो उसकी वाकई नहीं थकती। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि सिर्फ जबान से भाभी कह देने से मोहब्बत नहीं हो जाती। ये सुहेल एक घंटे से शावर ले रहे, नाश्ता ठंडा हो गया सारा, बुलाओ ना उसे जरा। सुहेल, मेरी बात का सीधा सीधा जवाब देना, ये मत दोहराना कि तुम्हारा झगड़ा नहीं हुआ था। डैड, आपके सवाल का इससे ज्यादा सीधा जवाब नहीं दे सकता मैं। और आप मुझे खुद बता दें कि आप क्या सुनना चाहते हैं। मैं सच सुनना चाहता हूँ, कल तुम्हारा महापारा से झगड़ा क्यों हुआ था? और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो क्या वो पागल है? डिस्टर्ब होकर उसने सबके सामने तमाशा बनाया? बस भी कर देना डैड, उसने अब तक कोई तमाशा नहीं लगाया और कोई डिस्टर्ब होकर मजे से कस्टर्ड खाता है। कस्टर्ड? कब देखा तुमने? किसने बताया कि उसने कस्टर्ड खाई है? हमारे सामने वो भूखी गई है। सकीना कॉफी ला दो यार। जी अभी लाके देती हूँ। मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे, मुझे बताओ किसने देखा? अरे वहाँ कहाँ जा रही हो, कॉफी ला दो ना। मैं मापारा को लेने के लिए जा रही हूँ, उसे बड़ी बेगम साहिबा ने कहा है। यानी मेरी कॉफी से ज्यादा अहम उसे बुलाना है? ये देख रहे हैं आप, ये मेरी हैसियत है इस घर में। मैं देख रहा हूँ और ये कोई बुरी बात नहीं है। मैं जाऊँ मापारा बीबी को बुलाने के लिए? जब तक वो आएगी नहीं कोई नाश्ता भी नहीं करेगा, और भाभी ने भी कहा है। भाभी ने? जी